प्रयागराज में योगी सरकार गरीबों को आशियाने का तोहफा देने वाली है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला एकदम रॉबिनहुड स्टाइल में तैयार किया गया है। दरअसल माफिया डॉन अतीक अहमद की जो कब्जाई हुई जमीन थी, उस जमीन को सरकार ने खाली करवाया और उस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनवाया, और 13 महीने पहले यह जमीन खाली करवाई गई थी। यहां पर अब आशियाने बनकर तैयार हैं और जल्द ही सरकार गरीबों को यह घर देने वाली है। सबके मन में ये सवाल होता है कि सरकार माफियाओं की जिन जमीनों को कब्जा करती है उसका क्या होता है। अब योगी सरकार ने इसका माकूल जवाब दे दिया है। योगी सरकार एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश में है। माफियाओं के कब्जे से जो जमीनें खाली कराई गई हैं, उस पर गरीबों के घर बनेंगे। प्रयागराज में इसका पायलट प्रोजेक्ट भी पूरा हो चुका है। अब तैयारी ये की जा रही है कि सीएम योगी के हाथों से गरीबों को मकान की चाबी दी जाए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण इसके लिए अगले महीने कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। यूपी में माफियाओं के कब्जे से खाली हुई जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए सस्ते आशियाने का निर्माण करा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उत्तर प्रदेश में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से हुई है, जहां माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते आशियाने बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में माफिया अतीक अहमद के कब्जे में ये जमीन थी, जिसे प्रशासन ने खाली कराया था, और उसके बाद तकरीबन 13 महीने पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां आकर भूमि पूजन किया था, शिलान्यास किया था। योगी सरकार ने 13 महीने पहले प्रयागराज में शुरू किए गए इस अनूठे प्रोजेक्ट को लेकर विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था और इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाया था। सरकार अब इस प्रोजेक्ट का जल्द से जल्द उद्घाटन करवाकर निकाय चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाने की कवायद में जुट गई है। इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश है कि यूपी में माफिया राज का खात्मा हो चुका है और राम राज्य की दस्तक हो गई है। प्रयागराज में ये ऐलान इस वजह से जरूरी हो जाता है क्योंकि यहीं से बसपा ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को मेयर का प्रत्याशी बनाया है। जिस जमीन पर ये फ्लैट बनाए गए हैं, उसे पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त करवाया गया था। 1731 वर्ग मीटर की ये जमीन लूकरगंज में मौजूद है। इस जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट का भूमि पूजन सीएम ने 26 दिसंबर 2021 को किया था। 4 ब्लॉक में बनी 3 मंजिला बिल्डिंग करीब करीब तैयार हो चुकी है। 3 से 4 हफ्तों में इसका काम पूरा हो जाएगा। ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ये EWS आवास बनाए जा रहे हैं और ये 76 फ्लैट हैं जो भूभाम्भिया की ज़मीन पे खाली करा के इसको बनाया जा रहा है और ये लगभग कंप्लीट है। और इसमें हम लोगों ने आवेदन 76 फ्लैट्स के अगेंस्ट जो है मांगे थे, जिसमें 6030 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसका वेरिफिकेशन होकर जैसे ही प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। यानी बसपा जहां मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स पर काम कर रही है, वहीं भाजपा का जोर सीधे गरीबों तक पहुंच बनाने की है। माना जा रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। 2024 तक ऐसे कई प्रोजेक्ट तैयार होंगे, क्योंकि माफियाओं के नाम पर वोटर के बीच में भावनाओं की लहर पैदा हो जाती है और सरकार इसी भावना को भुनाने की तैयारी में है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी भी बुलडोजर सीएम करके ही मुख्यमंत्री को बहुत लोग संबोधित करते हैं, जो आम जनता है। अतीक की जमीन पर गरीबों को 3.5 लाख रुपए में 1 BHK फ्लैट दिए जा रहे हैं और ये फ्लैट पाने वालों की संख्या भले कम हो, पर इनके सहारे एक बड़ा वोट बैंक तैयार करने की कोशिश है। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।